अस्सलामुअलैकुम जी, आज है हमारे घर में ईद पार्टी। तो अपनी फैमिली की दो बेटियां हैं, आगे तीन बेटियां हैं, बगैर और एक उसकी देवरानी है, ये ऐसे करके तो सब आने वाले हैं। तो प्रिपेयरिंग तो रात से शुरू की हुई है, मसाले वगैरह लगा दिए थे। तो मैंने कहा कि छोटे छोटे क्लिप छोटी छोटी चीज़ों की मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो ये मैंने सॉस बना के रखी हुई है रात से। ये पास्ता सॉस बना के मैंने रखी हुई है रात को, मैंने रख दी थी जो डबल क्रीम एंड बटर की है, लो पैक बटर की है। ये देखें, ये तैयार है पास्ता के लिए। ये मैंने ऊपर पानी रख दिया। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। हाँ जी, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक। नमक बस इतना सा डालूँगी इसमें। तो काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, जो जो बनता जाएगा मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि कंप्लीट नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि टाइम इतना नहीं होगा। चीज़ें काफ़ी बनानी मैंने, एंड पे पूरे टेबल की दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो अब शुरू करते हैं हम पास्ता से भी। और मैं रशियन सैलड की सब चीज़ें प्रिपेयर करके रख चुकी हूँ, मिक्स करके रख चुकी हूँ। वो मैंने ये किया था कि बंद गोभी ली थी उसे बारीक काटा था, और गाजर ली थी उसे बारीक काटा था, अंदर एक एप्पल ग्रेड या दो डाले हैं, उसके अंदर एक मैंने कैन डाला है उसमें किडनी बीन्स का, और चिकन डाला है, शेल पास्ता डाला, उसको मैं बॉयल करके और उसमें इतनी सारी दो चम्मच भर के तीन चम्मच भर के मेयोनीज डाल दिए, तो ब्लैक पेपर डाल के उसको माशाल्लाह कंप्लीट करके रखा है। अभी बाउल में है, जैसे मैं डोंगे में डालूँगी तो आपको दिखा दूँगी, क्योंकि आज मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखानी है, ज़्यादा नहीं। ये जी मैंने रखा है मीट ऊपर, मीट कढ़ाई बनाने के लिए। इसमें मैंने कुछ लहसुन जो है वो साबुत डाले हैं छील के, और प्याज डाला है। अभी मैं डालती हूँ इसमें मसाले अपने हिसाब से, तो फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैं जी इसमें है 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून मिर्ची रेड चिली, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून इज ये दिस वन है ज़ीरा पाउडर, एंड 1 टीस्पून जो है गरम मसाला। ये अब जाएंगे मसाले जो है मीट कढ़ाई में इधर। ये लीजिए, ये लहसुन अदरक भर के मैंने चम्मच डाला है, जो दूध की तरह फ्रेश है माशाल्लाह। इसको 8-10 दिन हो गए बने हुए। ये देखिए, ये मैं ऑयल में डाल के पीसती हूँ, बिल्कुल माशाल्लाह सही रहता है, जब तक ख़त्म नहीं होता। चलो आगे आगे देखते हैं क्या होता है जी। बिरयानी के प्याज जो है ना हमने डाल दिए हैं कढ़ाई में लाल होने के लिए, जो कि हमने तवे में डालने हैं। मैंने कहा था ना आस्ता आस्ता एक एक क्लिप दिखाती जाऊंगी। हमारा उसका देखो माशाल्लाह ये हो गया, थोड़ी देर में ये बंद कर दूंगी। और उसके बाद मैंने ये देखे पास्ता जो है मेरा, ये मैंने रेडी करके 2 ट्रे रख दिए, और ये भी तैयार है, सिर्फ ग्रिल करने वाला है जी। ये हमारा मीट जो था वो तैयार हो चुका है, इसको हम अभी रखने लगे हैं तो गर्म करेंगे। ये देखें बिरयानी हमारा जो देख जाए, ये गर्म गर्म ठाठे मार रहा है, पुकार रहा है कि आ जाओ आ जाओ खाएं। ये रोस्ट जो हमारा है ये भी देखें रेडी है, बिल्कुल तैयार है। और अब टेबल की तरफ चलते हैं जी। ये हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब मैं टेबल पे रखने लगी हूँ। माशाल्लाह देखें कलर कलरफुल, मैंने सब वो शिमला मिर्चें रखी हैं, तो बहुत ही अच्छा कलरफुल बन गया है। इसके बाद जब मैं टेबल पे सब चीज़ें रखूँगी तब दिखाती हूँ। ये लें जी, ये हमारा प्रॉपर जो अब खाना लग चुका है टेबल पर। तो अब मैं माशाल्लाह खाने वालों को बुलाने लगी हूँ। तो ये देखते हैं, मैंने कहा कि मैं छोटे छोटे क्लिप दिखाती आई हूँ। ये है जी सैलड, ये है बिरयानी, ये है पास्ता, ये है दही भल्ले, ये चिकन रोस्ट है, ये है रशियन सैलड, योगर्ट एंड प्लेटर, हमस प्लेटर, मीट कढ़ाई एंड बिरयानी। ये है हमारा जी टेबल, जो कि माशाल्लाह सज चुका है, सब कुछ रखा चुक गया है, और सिर्फ एक वेजिटेबल मैंने बनाई है बैंगन आलू, वो रखने हैं, तो वो भी रख के तो फिर मैं बनाने लगी हूँ सबको खाने के लिए माशाल्लाह।